धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्हें सादर अनुरोध की भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भावपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सर ये पूछना कहाँ से बनवाया था झंडा? मैं भावपुर खुर्जा दोनों चालू हो रहे साला उठ जा। देखो समय तुम्हारा बनाया हुआ लगाया मास्टर होता नारे नहीं ये पता रातों रात मतलब ये 20 दिन के अंदर भावपुर स्टेशन तैयार किया है। उस दिन जिसने 1.5 किलोमीटर चालू करना था रात को 2 बजे थे हमें इसमें इसका इंस्पेक्शन करने में 2 बजे हम लोग घर पहुंचे थे। अवसर पर प्रेरक संबोधन हम सभी का मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गुजरात की है ना, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में बैठे सभी सहयोगीगण, पढ़ा लिखा नहीं पीयूष गोयल बहुत तगड़ा पढ़ा लिखा है, सरकार के मंत्रीगण था तभी से समझ में आया, एक अच्छा कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव देख नहीं रहे भाई और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली महानुभाव आगे वाले 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। गाड़ी चल जाए आराम से। कितना लोग यार भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। चल गई एक ट्रेन कहाँ से आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बापू रहते निकल गए गुर्दा होना चाहिए वही तो कह रहा हूँ मैं बोलते हैं डीएमआरसी जो पहली बार चली थी 2002 में डीएमआरसी का सिद्धि कौन सा अपना श्रीधरन श्रीधरन जी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बोलेगा अरे ये ना बोले योगी बोले योगी भी नहीं बोल पाएगा ये बोल पीयूष गोयल है एमडी बोल सकता है कौन एमडी स्पष्ट सुनाई दी प्रयागराज में पहला मैसेज आ गया स्टार्ट हो गया कुर्जे से ओके ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पर क्या नए भारत के नए जहाँ वीडियो दो दिन से लगे पड़े लगे पड़े जिधर भी देखो दुनिया के बेहतरीन और डीएफसी वाले कल रात को फोन किया था 2 दिन रात पर वो स्टेशन सजाए कंट्रोल सेंटर में से अभी तो ये मेहनत दिख रहा है यार तो मुझे एक खम्बे खम्बे में एक बंदा चढ़ा हुआ किसी को भी गर्व होगा इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है दोनों जगह ई लोग भारत में ही तैयार की गई है ऐसा बता दोनों भारतीय बैग 12 भाई और बहनों देखिए इतना स्पीड देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी लाइन देखिए सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 मालगाड़ी 1.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती है नाड़ियां होती है ट्रांसपोर्टेशन जितनी बेहतर ये नसें होती है उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान बहुत बड़ी जा रहा है कोई राष्ट्र हो दो बड़ी जा रहा है 1.5 किलोमीटर लंबा है ना। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो रेलवे हो तो न्यूज़ में भी लाइव हो एयरवे हो मोदी है तो न्यूज में लाइव आई है या फिर हाईवे आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी
न्यूज में सिर्फ मोदी वाला ही दिखाया कि ये सब नहीं दिखा रहा, सारे कैमरा जो हम लोग देख रहे हैं ना ये सब नहीं दिखा, थोड़ा भाषण लोग मोटे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये उसी से इसको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में स्क्रीन किसका लगा पता है? एलबीटी किसका लगा? एलबीटी किसका लगा या किसी और का लगा पता है? लैपटॉप में लगाया अलग करता है ना, मैं मेरे पास है सर। इनकी जरूरत एलबीटी से होगा। देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो, मैं आ गया था दो बार इंस्पेक्शन इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद रेल क्वार्टर रेल कॉलोनी में होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। ये जो सिग्नलिंग में यहाँ पे चालू हो गया, पूरा सिग्नलिंग से ही चल रहा है अभी। अपने एसटीएसएसपी है ना, सारा कंट्रोलिंग है उसका, आइसोलेटर सिग्नल सिग्नलिंग चालू है सब इन ऑल रेस्पेक्ट। एस्काडा सिग्नलिंग सब चल रहा है इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ बाजार तक पहुंचा। अभी दो एसएसपी और एक एसपी चार्ज कर, बाकी है वो और परजनी तीन बाकी। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। 10 तारीख का टारगेट है, 10 तारीख का टारगेट है उसको चालू कर। अर्थव्यवस्था बढ़ी तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, टूट गया है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है, इससे पैसेंजर ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादकों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खाली खिचड़ी और यही सब खा के जो लुधियाना को पश्चिम बंगाल के ब्रस्टिक्स निकल दामनकुनी से जोड़ रहा है। जल्दी आगे सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थक गया है भाई पूरा। 20 घंटा काम करता है सोमिया, 20 घंटा इनके इस उम्र में 20 घंटा भी बनाए जा रहे हैं। क्या काम करता है 20 घंटे में? प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में तुम समझ जाओ, समझदार हो प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकते हैं। दाढ़ी नहीं बढ़ानी चाहिए, दाढ़ी बढ़ाए बोला जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक दाढ़ी होता है ना हर चीज का। जब तक वैक्सीन जो हुआ था गंगा नहा के आया और हजीरा सब 21-22 लोग मरते, चक्कर लगाया उसी दिन खाली जाने के भाई मार के आएंगे, मार दिया। इन दोनों का है कि थोड़ा टारगेट लेके चलते कि भाई ये करना तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जयपुर वाला उत्तर वेस्टर्न में बोले नहीं मुंबई और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर, वो सब तो एलएनटी कर रहा है ना, मतलब जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की। ये मजा नहीं आएगा और भाई और बहनों, ये आज पहली बार हो गया। मालगाड़ियों एलएनटी क्या करेगा पता है? चलती रही अभी तो जो एक्सपीरियंस हमको लेना था हम लोगों ने ले ली 351 किलोमीटर। सबको पता है हमारे मना कर दे कि हम नहीं करेंगे ये सब प्रोजेक्ट,
एलएनटी अब 1200 लाइन बिछाने जा रहा है 1200 किलोमीटर, भले आज से 6 साल बाद करे तो अब क्या होगा कि एक रिकॉर्ड में आएगा एलएनटी के, अगर तो एलएनटी 1200 किलोमीटर पर वो होगा प्रधानमंत्री को नहीं ला पाए कौन अब भी कहा ला पाए कोई नहीं ला पाए तो बात कर पाएगा अब भी कोई नहीं ला पाए ट्रैक पर डबल डेकर अकल वहाँ की है ना एलएनटी के कल मेजेंटा लाइन पे किया ना ट्रैवल स्टेशन का झंडा दिखाया बुलेट ट्रेन आएगा तो नहीं जाएगा नहीं अलग जाएगा बुलेट अलग होगा बुलेट में तो एफसीसी में नहीं जाएगा तो हमारा की करोगे लॉजिस्टिक नेटवर्क होगा तो फिर जाएगा सस्ता होता जाएगा हमारा सामान पहुंचाने का जो पहली बार चार्ज हो रहा है पहली बार सामान सस्ता हो 5 साल में किए थे लोग चार्ज जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा धीरे धीरे कम हो जाता है धीरे धीरे कम अगले दिन किया घंटा मिला कुछ नहीं कोई बंदा नहीं आया कुछ नहीं बस कंग्रेचुलेशन सर यही तो होता है सुनिए यही होता है एयरपोर्ट लाइन में थे ना तो जब लाइन चार्ज हुआ ना तो सीधा 7 किलोमीटर लाइन चार्ज किया हम लोग मतलब आरएसएस से सीधा एंड पे और उस लाइन पे था कंसल्टेंट का एक आदमी क्या मिस कम्युनिकेशन हुआ कि वहां लाइन चार्ज नहीं हुई बीच का बीएम का जंपर हट गया था ठीक है लाइन चार्ज नहीं हुई लगाया मिस कम्युनिकेशन हो गया लाइन चार्ज हो गई इधर से बोला लाइन चार्ज हो गई कांग्रेस कांग्रेस दूसरे हाथ में कांग्रेस को अरिंदम साहब का मेरा सीनियर का एक फोन है या राजस्थान का कारोबार सर बताइए सबको कैसे बोले पंकज सर को बुलाया बुलाया ना ऐसे करते हैं पूर्वी भारत बक क्या हुआ बक फ्रेट कॉरिडोर सर लाइन चार्ज नई ऊर्जा देने वाला तुमने साले एक भी छाड़ करीब करीब फिर सबको हल्ला हुआ फिर उसी दिन होने इसलिए फिर रात यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को तो जंपर में तो झोल इससे कनेक्शन ही नहीं किया था पर लगाया था ये पिक्चर में नहीं था सुनिए बाईपास से लगाया लेकिन यूपी के दिग्गी काम 11 बजे रात का था फिर हम लोग 3 बजे को सालों में पहला करा के वो और अधिक पड़ेगा चेक भी किया वही गलत कर दिया मैसेज नहीं नहीं वो सही दिखाया मसला मिस कम्युनिकेशन टनल है ना टनल में अप एंड डाउन ट्रैक होता तो पूरा कुछ आवाज नहीं हुआ उधर से हां हो गया ऐसा कुछ हो गया अरे उसी दिन जिस दिन 150 चार्ज करना था ना हम थे ब्रिजेश सर थे दो लोग थे इसमें हम लोग खाने थे कि मेगर मार रहे थे उधर पता कर ली शॉर्ट कर चेक करा लेते हैं जब तक खुला नहीं नहीं होगा बोले आए तो हम निकल जाएंगे जब रात में चार्ज होगा पता चले फ्लाइट किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में पहली बार जब चला तभी तो जंपर छोड़ दिया बुन करके लिए लगातार नहीं ले उत्तर प्रदेश वो जंपर छोटा था ना उसे बताएंगे और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई बहुत परेशान किया था 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है इसके अलावा राज्य में 8 नए गुड शेड भी बनाए गए वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर में 2 बड़े पेरिशेबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं इनमें बहुत ही कम दरों पर किसान फल सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपज स्टोर कर सकते साथियों जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को फायदा हो रहा है अभी किसान लोग को सवाल ये बातचीत होने वाली है ना कि आखिर इसने टाइम दिया दोनों इतनी देरी क्यों ये प्रोजेक्ट पप्पू बोलता है लगे रहो और हम चला गया नानी के छुट्टी मनाने नया साल जो सरकार थी उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी उसके बाद किसी को जिससे कौन दिया था कागजों और फाइलों में नहीं बनता माधवराव सिंधिया का ड्रीम है केंद्र को राज्यों के साथ
जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए, जैसे मेट्रो है, अटल बिहारी वाजपेयी का मेट्रो दिल्ली के वो तो खैर काम के जब नहीं के बराबर हो गया तो लोग दिल्ली के लिए जाते, कितना नेटवर्क बिछ गया ना, अटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 सिंधिया जी का ये था, एक किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया, एक किलोमीटर भी नहीं। यहाँ भी देखो हो गया पॉलिटिक्स, जो इसके लिए पैसा भी सही बना, मिट्टी भर रहा था, वो सही मिट्टी भर रहा था, मिट्टी भरने में 3 साल लगाया। साथियों 2014 कांग्रेस कभी चाहा नहीं ना कि देश विकसित, सरकार बनने के लोग देश के हैं ही नहीं, अपना थिंकिंग इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया, अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो बजट करीब करीब 11 गुना यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। प्रगति की बैठकों में मैंने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, इससे जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद किया, समीक्षा की, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्क बढ़ाया, उन्हें प्रेरित किया। इन टावर सेक्शन कंप्लीट होने का दिन राज्य सरकार का, हम नई टेक्नोलॉजी भी लाए, इसी का परिणाम है ना ये सेक्शन कि करीब 1100 किलोमीटर काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। सोचिए 8 साल में 20 किलोमीटर नहीं, ट्रेवल करने 20 घंटे लग जाते हैं, 6-7 साल में ये कानपुर से खुल जाए, कानपुर से कानपुर तक खुल जाए, उसी बीच में भागपुर भी आए, कानपुर 10 किलोमीटर भागपुर है 15 किलोमीटर मतलब शहर का होता है, उसके बाद बाईपास है, कानपुर को ही नहीं उठाना पड़ा है, डिटोर है, पूरे रेलवे से जुड़ा सिस्टम ही इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके, लेकिन जिस पटरियों पर ट्रेन को चलाना था कोई ट्रैक उन पर निवेश ही नहीं किया जाता, चाइना हमसे साला कितना पीछे था ट्रैक में, आधुनिकरण सबसे ज्यादा ट्रैक था चाइना में, गंभीरता ही नहीं थी, मतलब हम आजादी के बाद मुश्किल से ज्यादा नहीं, आजादी के बाद 70-80 साल हो गए, बहुत कम ज्यादा ले नहीं हुआ ट्रैक आज भी हमारे, अभी ले हो रहा है नया, अब हो रहा है वही कह रहा हूँ, लेकिन चाइना हमसे बहुत पीछे था, मतलब दबा तोड़ फाटकों से भरा हुआ था। साथियों हमने 2014 के बाद इस कार्यशैली को बदला, इस सोच को बदला, अलग से रेल बजट की व्यवस्था को खत्म करते हुए हमें ऐलान कर करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला, हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानवधारी फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया, रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। साथियों बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं, रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है, भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है, हम निर्यात भी कर रहा है। यूपी की ही बात करें तो वाराणसी स्थित लोकोमोटिव वर्क्स भारत में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है, रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को भी बीते 6 सालों में स्टेटिंग पेंटिंग की भूमिका से हम बाहर निकाल कर लाए हैं। रायबरेली में अब तक 5,000 से ज्यादा नए रेलवे कोच बन चुके हैं।
यहाँ बनने वाले रेनकोट एक ये भी है बिहार में निर्यात किए जा रहे हैं लालू यादव का बना भाई और बहनों। हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा रेल मंत्री था ना तभी उसने उसका शिलान्यास कर दिया था। ये 5 साल की यहाँ बनेगा पॉलिटिक्स का नहीं 3-4 किया था बाद में 2 ममता बनर्जी आई तो अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को एक छपरा में छपरा डीजल इंजन के लिए और मधेपुरा इलेक्ट्रिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो बंद हो गया वो मिनिस्टर चेंज हो गया ममता बनर्जी आई तो ध्यान नहीं दी फिर उसके बाद जब चालू होने वाले बाद बोला कि अभी डीजल इंजन तो चाहिए नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं वो जीई को मिला था ये बेस्ट मिला वो जीई को मिला प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान इंडिया में इसलिए चल पाया क्योंकि उसका मानसिकता बहुत कॉस्टली है एक्चुअली देश के बाय नहीं कर पाता है ना देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये संपत्ति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ति देश की है ये संपत्ति आपकी है देश के नागरिकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मध्यम वर्ग का समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है। देखो पसीना लगाने वाली है गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है तब सब बनता समय का नाम बोल दिया इसको लगने वाली हर चोट देश के खंभा खड़ा किया देश के सामान्य जन को चोट है इसलिए तो हमारा अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते सेक्शन निकल गया होगा ट्रेन हमें अपने ट्रेन क्रॉस भावपुर ट्रेन चालू है अभी अभी ग्रुप में चालू है समय बनाया जाता है हर स्टेशन के लिए बंदा रेडी है कुछ सामान है परिस्थितियों में भी देश सब अपने अपने स्टेशन में खड़े होंगे ये कोरोना काल में जहाज बिजले का सब सब लिस्ट आया था क्या क्या फूड लेना है क्या क्या लेना है दवा और राशन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविधा देना हो बापुर से लोग निकल रेलवे के पूरे नेटवर्क का टूंडला में क्रॉसिंग होगा दोनों का दोनों क्रॉसिंग टूंडला में होगा देश हमेशा याद रखेगा यही नहीं इस मुश्किल समय मक्खनपुर के आसपास क्रॉसिंग हुआ रेलवे ने बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों के लिए 1 लाख से ज्यादा दिनों का रोजगार भी सृजित किया है। मुझे विश्वास है कि सेवा सद्भाव और राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक निष्ठ प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा। एक बार फिर यूपी सहित देश के तमाम राज्यों को फ्रेट कॉरिडोर की नई सुविधा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और रेलवे के सभी साथियों को भी शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनसे भी आग्रह करूंगा कि फ्रेट कॉरिडोर का आगे का काम भी हमें तेज गति से चलाना है। 2014 के बाद जो गति हम लाए थे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा गति लानी है। प्रेशर आ गया हमारे साथी पूरा सेक्शन कर लिया ना जरूरी कर रहा है पूरा डीएफसी आईटी के पास है सबको डब्ल्यूडीएफसी बहुत बहुत धन्यवाद। 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर भाई।